उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार जी, इस महान परंपरा के एक मणि और सांसद श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमचार्य जी, महंत श्री नरहरिनाथ जी, महंत श्री गुलामनाथ जी, महंत श्री सुरेशनाथ जी, स्वामी हरिनारायणानंद जी, स्वामी श्यामदास जी, जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, महंत शेरनाथ जी, स्वामी निर्मलानंदनाथ जी, महंत चेताईनाथ जी, स्वामी श्रवणानंद जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रातस्मरणीय आदरणीय गुरुजन संतगण और सभी भाविक भक्त, ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब के प्रेरणा पुरुष परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी का प्रतिमा का अनावरण करने के निमित्त आप सबके आशीर्वाद पाने का मुझे अवसर मिला। ये धरती एक विशेष धरती है, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, हर किसी का इससे किसी न किसी रूप में अटूट नाता रहा है। गोरक्षनाथ एक महान परंपरा जो सिर्फ व्यक्ति की उन्नति नहीं, लेकिन व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति, उस महान लक्ष्य को लेकर के एक परंपरा चली। कई बार समाज में परंपराओं का जब दीर्घकाल हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां आना शुरू हो जाती हैं, कुछ कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब परंपरा के आदर्शों को, नियमों को पूरी तरह पालन किया जाता है तो उन परंपराओं को परिस्थितियों के दबाव से मुक्त रखा जा सकता है। मैं गोरक्षनाथ के द्वारा प्रारंभ हुई इस परंपरा में, क्योंकि जब मैं गुजरात में था वहां भी बहुत सारे स्थान हैं, कभी अवैधनाथ जी के साथ एक बार मैं बैठा था, राजनीति में आने से पहले मेरा उनका संपर्क था। इस पूरी व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, नीति नियमों का पालन कैसे होता है, इस परंपरा से निकला हुआ संत कहीं पर भी हो उसकी पूरी जानकारी कैसे रखी जाती है, उसको कोई भी आर्थिक संकट हो तो कैसे उसको मदद पहुंचाई जाती है और एक कैसी ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था है, वो कभी मैंने महंत जी के पास से सुना था।
और उस परंपरा को आज भी बरकरार रखना, इसके लिए इस गद्दी पर जिन जिन लोगों को सेवा करने का सौभाग्य मिला है उन सबने का एक उत्तम से उत्तम योगदान रहा है। और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद समाज के पुनर्निर्माण का काम हो, लोकतांत्रिक ढांचे में बैठ करके तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से भी सामाजिक चेतना को कैसे जगाया जा सकता है और बदली हुई परिस्थिति का लाभ जन सामान्य तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उस पहलू को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में इस एक आयाम को भी जोड़ रहा था जिसको आज योगी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी बाहर बहुत भ्रमणाएं रहती हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे देश में जितनी भी संत परंपराएं हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार की मठ व्यवस्थाएं हैं, अखाड़े हैं, जितनी भी परंपरा है, उन सब में एक बात समान है, कभी भी कोई गरीब व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति इनके द्वार से कभी बिना खाए लौटता नहीं है। खुद के पास कुछ हो या न हो, संत किसी झोपड़ी में बैठा होगा लेकिन पहला सवाल पूछेगा, क्या प्रसाद लेकर के जाओगे क्या? ये एक महान परंपरा समाज के प्रति संवेदना में से प्रकट होती है, और वही परंपरा जो समाज के प्रति भक्ति सिखाती है, जो समाज का कल्याण करने के लिए व्यवस्थाओं को आहूत करती है, वही व्यवस्थाएं चिरंजीव रहती है। हमारे देश में हर व्यवस्था ने समयानुकूल परिवर्तन किया है, हर परिवर्तन को स्वीकार किया है। जहां विज्ञान की जरूरत पड़ी, विज्ञान को स्वीकार किया है, जहां सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत पड़ी उसको भी बदला है। और आज तो मैंने देखा है कई संतों को जो कभी कभी आध्यात्मिक धार्मिक कामों में लगे रहते थे, लेकिन आजकल स्वच्छता के अभियान के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं और स्वच्छता के काम अच्छे हो उसके लिए समय लगा रहे हैं। मैंने ऐसे भी संतों के विषय में जाना है कि जो टॉयलेट बनाने के अभियान चलाते हैं, अपने भक्तों को कहते हैं शौचालय बनाइए, मां बहनों का सम्मान बने, गौरव से जीवन जिए, इस काम को कीजिए। बहुत से ऐसे संतों को देखा है कि जो नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति को नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए जो भी सहायता कर सकते हैं करते हैं। कई संतों को देखा है जो पशु के आरोग्य के लिए अपने आप को खपा देते हैं, पशु निरोगी हो उसके लिए अपना जीवन खपा देते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सेवा हो, हर क्षेत्र में कहीं कहीं किसी किसी रूप में हमारी ये संत परंपरा आज जुड़ रही है। और समय की मांग है कि देश को लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों मठ व्यवस्थाएं, भारत को आधुनिक बनाने में, भारत को संपन्न बनाने में, भारत के जन जन में उत्तम संस्कारों के साथ समर्पण भाव जगाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं और बहुत सारे निभा भी रहे हैं। और यही बात है जो देश के भविष्य के लिए एक अच्छी ताकत के रूप में उभर करके आती है। महंत अवैधनाथ जी पूरा समय समाज के सुख दुख की चर्चा किया करते थे, चिंता किया करते थे, उससे रास्ते खोजने का प्रयास करते थे, और जो भी अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको पुरस्कृत करना और उस अच्छे काम के लिए लगाए रखना, ये उनका जीवन भर काम रहा था। आज मेरा सौभाग्य है कि उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, मुझे भी पुष्पांजलि का सौभाग्य मिला,
और इस धरती तो तपस्या की धरती है, अखंड ज्योति की धरती है, अविरत प्रेरणा की धरती है, अविरत सत्कार्यों को पुरस्कृत करने वाली धरती है। उस धरती को नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।